हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे, और संडे में हम आपके लिए क्लास, साइंस की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, पदार्थों के भौतिक गुण, यानी कि हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बड़े ही अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे जो भी क्वेश्चन है तो हम उसका बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, व्याख्या बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि इस वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन हमारा जो आता है इस बार तो बिल्कुल छूट ना पाए, तो इस तरीके से हम लोग जो है उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो, अगर आपको हमारी क्लास जो है पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उससे हमें जो है हमारा हिम्मत बढ़ती है आपके लिए मेहनत करने की। आप लोग जानते होंगे, और क्या पसंद आया तो, अब नहीं तो आपके ऊपर कोई जबरदस्ती तो है नहीं भाई, आपकी मर्ज़ी, जो भी करो, ठीक है। चलिए, फ़िलहाल तो हम लोग इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारा वो पहले ही वीडियो था इस टॉपिक का, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जा करके, हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है फिजिक्स करके, ठीक है, तो वहाँ पर वो वीडियो अवेलेबल है। बाकी अभी तक हमारे जितने भी वीडियो पुराने थे वो सब के सब रेलवे एग्जाम करके एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको और सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है अलग सेपरेट हमने प्लेलिस्ट बनाई है, तो हम वहाँ पर फिजिक्स का वहाँ पर डालेंगे, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट केमिस्ट्री वाले मिलेंगे आपको, और बायोलॉजी वाले बायोलॉजी में मिलेंगे वीडियो, ठीक है। वो एक में बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो वीडियो जब हमारा कोई कैंडिडेट जाता था तो उसको वो मिल नहीं पा रहे थे, ठीक है। चलिए, फिलहाल बहुत बात हो गई, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो कल क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक कर ही चुके, इससे ज़्यादा कर चुके हैं, 58 तक कर चुके, 57 तक कर लिए थे, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 58, जिसमें लिखा है कि 30 किलोग्राम और 15 किलोग्राम यानी 30 kg और 15 kg वजन वाले दो हमारे बच्चे हैं। झूले यानी भाई शीशा वाला झूला है, शीशा वाला झूला, आप तख्ता वाला झूला हमने कल बताया जो था, उसी झूले पर बैठे हैं। मैं बना के दिखा दूंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, शीशा के एक तरफ आलम्ब से क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, आलम्ब से एक ही ओर। आलम्ब क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। यम द्रमान का एक लड़का झूले के दूसरी तरफ आलम्ब से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा है, और झूला जो है वो संतुलन की अवस्था में है। यम का मान क्या होगा हमें बता दें, कि यम का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने रहे, अगर बात समझ में आ गई तो सही, नहीं तो अभी मैं समझाता हूँ। दूसरा, आप इंग्लिश में अगर कोई कैंडिडेट हमारा पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। आपके सामने क्वेश्चन रहा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल कल ऑप्शन आपके सामने कर दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको, ठीक है। ये ऑप्शन है, कल हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं बिल्कुल, तो जो लोग कल देख चुके हैं उनसे हो जाएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारे आज नए कैंडिडेट होंगे तो जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो शीशा वाला जो झूला हमारा होता है वो कुछ ऐसा होता है, दो तरफ तख्ते लगे होते हैं, बीच में जो झूला कसा होता है, जहाँ पर झूला घूमता है वही बिंदु हमारा आलम्ब या फलक्रम बोला जाता है, जिसे हम एफ से लिखते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो झूला है इसके एक ही तरफ दो बच्चे बैठ गए, मान लो कि एक यहाँ बैठा है एक यहाँ बैठा है, ठीक है। ये फलक्रम है, आलम्ब है, आलम्ब से एक 1.2 पर है, 1.2 मीटर की दूरी पर, और दूसरा वाला है 1 मीटर की दूरी पर, और एक लड़का इधर 1.2 पर बैठा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 1.2 दूसरी तरफ है ना, ये यम द्रव्यमान का है, और झूला हमारा संतुलन की अवस्था में है, बैलेंस कंडीशन में है, संतुलन की अवस्था में मतलब आप समझ रहे हो ना, कि वो नीचे जा रहा ना ही ऊपर जा रहा, बैलेंस में है। तो जो यम यहाँ पर आया इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहाँ पर उत्तोलक का सिद्धांत होता है कि इधर वाले जितने बलागुण हैं वो इक्वल में होते हैं इधर वाले बलागुण के। कैसे बलागुण कैसे निकालते हैं, बलागुण निकालते हैं जो हमने
हमारा यहाँ पे मतलब जितना भी वेट रखा है, वजन रखा है वो, और उसकी डिस्टेंस इस साइड में जितने हैं, आलम से कितनी दूरी है, दूरी कहाँ से लेते हैं आलम। जैसे यहाँ पे एक लड़का बैठा है हमारा जिसका वजन है 30 किलोग्राम, कितना है 30 किलोग्राम, तो हम लिखेंगे देखो 30 किलोग्राम और कितनी दूरी पर बैठा है 1.2 पर, ठीक है, आलम से दूरी नापते हैं हमेशा, ध्यान रखना, प्लस करो उसी तरफ है ना, इसलिए जोड़ रहे हैं। दूसरा लड़का है 15 केजी का, कितनी डिस्टेंस पे बैठा है 1 किलोमीटर, सॉरी 1 मीटर की। अब जी कुल हो जाएगा, उधर कौन लड़का है, वो लड़का है यम द्रव्यमान का, कितनी डिस्टेंस पे 1.2 पर है। इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। जिससे सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे 1 है और ये 15 है, ठीक है। सॉल्व करके हमें आप जरूर आंसर ज़रूर बताएं क्या सही आएगा आंसर हमारा, ठीक है। नहीं सॉल्व होता है तब भी आप कमेंट जरूर करें, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा ऑप्शन इसका मैं इसका अभी बता दूंगा क्या सही रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से हमें तब तक बताओ कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों का सही जाता है और कितने लोग इसमें भी गलती करते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट करके। थोड़ा सा मुझे कोल्ड हुआ है इसलिए अभी मैं बोर्ड पर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ अभी वैसा नहीं है जैसा था, ठीक है, इसलिए अभी कुछ आपको क्लासेस भी नहीं मिल पाई हैं। ठीक है चलिए, अधिक देश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, मतलब क्या अधिक हो कि उसका जड़त्व अधिक हो। जड़त्व मतलब इनर्सिया, कोई वस्तु है उसका जड़त्व कब अधिक होगा, जितना द्रव्यमान अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व या इनर्सिया उतना ही ज्यादा होगा। इनर्सिया क्या होता है, इनर्सिया या जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है कोई वस्तु, अगर आप उसकी अवस्था परिवर्तन करने की कोशिश करोगे तो वो विरोध करेगी। जैसे कोई गाड़ी, कोई भी वस्तु है चल रही है तो वो चाहेंगी कि वो चलती रहे, अगर आप रोकोगे तो वो पहले विरोध करेगी। और अगर कोई वस्तु हमारी रुकी है और आप उसे चलाने की कोशिश करोगे, विराम अवस्था में है, गति अवस्था में लाने की कोशिश करोगे, रेस्ट स्टेट में है, मोशन वाली स्टेट में लाने की कोशिश करोगे, तो ज़रूर वो उसका अपोजिट करेगी, अपोजिशन रहेगा उसमें, वो विरोध करेगी। और यही विरोधी गुण जो है वो जड़त्व कहा जाता है, यानी कि हर एक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है और यही विरोधी गुण जो है हमारा जड़त्व या इनर्सिया कहा जाता है। बोलो समझ में आ गया, समझ में ज़रूर आ गया होगा। और ये जो इनर्सिया है, जितनी हमारी ऑब्जेक्ट बड़ी होगी, जिसका मास द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, इनर्सिया उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा कि मान लो कि हमारा कभी कभी क्या होता है, ट्रैक्टर होता है या हमारी कोई गाड़ी है, उसकी बैटरी डाउन हो गई, अब उसमें हम धक्का लगाते हैं, तो शुरू में मान लो कि उसमें 5 लोग धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, और 5 लोग धक्का लगा रहे हैं, वो हट गई एक जगह से, बड़ी मुश्किल में 5 लोगों ने उसको एक जगह से हटा पाया, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर उन्होंने धक्का लगाया वो चल गई, चल रही है। अब एक आदमी, अब वो जो लोग बहुत ताकत धक्का लगा रहे थे वो उतना ताकत से भी धक्का नहीं लगाते हैं, तब भी गाड़ी चलती रहती है। इवन अगर कि उसमें से एक हमारा पर्सन हट भी जाए तो भी वो गाड़ी चलती रहेगी, समझ मारे बात। तो वो जो शुरू में हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा था वो किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्सिया यानी जड़त्व के कारण, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और हम लोगों ने कल भी थोड़ी सी बात की थी उत्तोलक के बारे में, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप बिल्कुल सही क्वेश्चन जरूर आंसर जरूर करेंगे, इसका आपकी कोई गलती नहीं आएगी इसमें, जल्दी से बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो इसमें क्या जो है सही आंसर होगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक ऊंचा है
और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक वो उत्तोलक होते हैं जिनमें क्या होता है, आलंब बीच में होता है। आलंब मीन्स फलक्रम, और फलक्रम या आलंब हमारा वह बिंदु होता है जिसके इधर उधर हमारी कोई जो उत्तोलक है, कोई मशीन है या कोई क्षण है, वो रोटेट कर सकती है, घूम सकती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारा कैंची है, तो कैंची में आप देखते हो कि कैंची कुछ हमारी इस तरीके से दिखती है आपको। ऐसे कुछ दिखेगी, यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी, तो यहाँ पे नट कसा रहता है, यहाँ पे हम लोग उंगलियाँ फंसाते हैं। तो ये नट के इधर उधर हमारी जो कैंची की दो साइड भुजा होती हैं या हमारी ये जो दो धार होती हैं वो इधर उधर ऐसे ऐसे घूमती हैं ना। तो अब बीच में जो घूम रहा है, इधर हम फोर्स लगा रहे हैं हाथ से ऐसे करके दबाते हैं, तो जो हम इफोर्ट लगा रहे हैं यही आयास हो गया। इधर जो कपड़े को काटेगी वो हमारा वार हो गया, डब्ल्यू से लिखेंगे। आयास को हम लोग ई से लिख लेते हैं या कभी कभी पी से लिख लेते हैं। फलक्रम को हम एफ से लिखेंगे। तो ये जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर है, कैंची सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नटक्रेकर की बात करें, सरौता की अगर हम लोग यहाँ आई पर बात कर लें, तो सरौता जो होता है जी सुपारी वगैरह काटने का काम करता है। तो इसमें बीच में क्या होता है, हम लोग सुपारी वगैरह को रख देते हैं बीच में। तो बीच में अगर कभी भी भार आ जाए, इफोर्ट तो हम कुछ ऐसे लगाते हैं, इसमें सरौते में कैसा होता है कि यहाँ कहीं पे ही घूमता है और यहाँ कहीं पे कोई चीज़ काटने के लिए रखी जाती है, तो डब्ल्यू बीच में आ जाएगा, यहाँ पे घूमेगा तो फलक्रम इधर हो जाएगा और इधर से आप दबाते हो तो ये हमारा इफोर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयास हो जाएगा, जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, तो जब डब्ल्यू बीच में आ जाता है वो सेकेंड क्लास का उत्तोलक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन अगर हम इसमें देखते हैं, तो बर्फ़ उठाने की चिमटी, यार इस पर हमारा डाउट जा रहा है हमेशा से, अभी हमने इसको जो है क्लियर नहीं किया है। होता तो क्या है कि मेरे हिसाब से क्या है, जो बर्फ़ जो हम उठाते हैं तो उसमें भी बर्फ़ जो है लास्ट में ही तो फंसती है यहाँ पे और पकड़ते यहाँ पे है, और बीच में वो रहना चाहिए। तो ये भी हमें फर्स्ट क्लास का लगता है, लेकिन फर्स्ट क्लास का ये है नहीं, तो इसको हम अभी समझा नहीं पा रहे हैं। फिलहाल देखेंगे, ज़रूर इसको बताएंगे आपको। कैंची हमारा हमने बात करी ली, उसके बाद एक पहिए का जो ठेला होता है, एक पहिए का जो ठेला होता है उसमें क्या होता है कि उस ठेले में ऐसे दो आपके जो हैं रॉड जैसे निकले रहते हैं और यहाँ पे आपकी ट्रॉली कसी रहती है, नीचे आपका जो है यहाँ पर एक पहिया लगा रहता है। ये एक पहिया जो लगा रहता है और बीच में आपका जो है यहाँ पर सामान भर दी जाती है, जो भार बीच में आ गया, पर यहाँ से ये ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये फलक्रम हो गया और इधर इफोर्ट हो गया, यानी कि जो दो पहिए वाली गाड़ी है उसमें भार बीच में हो गया। जिस चीज़ में भार बीच में होता है, लोड बीच में होता है, तो वो हमेशा सेकेंड क्लास का होता है, द्वितीय श्रेणी का होता है। आई होप आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। एग्जाम्पल में आप देख, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं और एग्जाम्पल देखिए आप ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड क्लास लीवर्स। ठीक है, जल्दी से आप बताओ, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भैया, क्या सही ऑप्शन है। हो सकता है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी गलती कर दें, जो पहली बार पढ़ रहे हों या जिनका दिमाग कहीं और हो जब मैं समझा रहा था। तो ये क्वेश्चन आपने बड़े ही आसानी से कर लिया होगा। सेकंड क्लास का जो उत्तोलक इसमें है, लीवर है, वो हमारा एक पहिए का ठेला हो गया, व्हील बारो जिसे बोल रहे हैं वो हो गया। सेकंड क्लास की बात करें, ठीक है, प्लायर भी फर्स्ट क्लास का है, शीशा भी फर्स्ट क्लास का है, और यार बर्फ़ वाले जो बर्फ़ उठाने की चिमटी जी हर क्वेश्चन में आ रहा है। तो ऐसा करो यार, एक बार गूगल करके आप हमें बताओ, ये जो बर्फ़ उठाने की चिमटी है जिसको हम आइस टॉन्ग्स बोल रहे हैं, तो ये किस क्लास में आएगा एक बार हमको ज़रूर बताओ। ठीक है, हम भी देख लेंगे, पर अभी आपका काम है जी, होमवर्क है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 62।
फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का है, सिर्फ एएलपी यहाँ पर लिख दिया गया है। सीबीटी 2 का क्वेश्चन नया शिफ्ट 1 में पूछा गया 2019 में, तो ये तो आप कर ही लेंगे हम लोग। द्रव्यमान सही हो जाएगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है हम लोग कर ही चुके हैं। तोड़ क्या होता है, तोड़ क्या होता है, जो हमारा वेग परिवर्तन की दर होती है वही तोड़ होता है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि तोड़ क्या है कि कितने समय में हमारी जो गतिमान वस्तु है उसके वेग में, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। समय के साथ साथ अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो हमारा वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोला जाएगा, धनात्मक तोड़ बोला जाएगा। और समय के साथ साथ अगर हमारी वेलोसिटी डाउन हो रही है, वेलोसिटी मतलब वेग हमारा कम होता जा रहा है, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु में जो है आपका निगेटिव त्वरण है। और निगेटिव त्वरण को एक और नाम दिया जाता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना, निगेटिव त्वरण को जो नाम दिया जाता है वो मंदन का नाम दिया जाता है, मंदन नाम बना हुआ है मंदन। और इसको इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलेंगे हम लोग, रिटार्डेशन बोलेंगे, ठीक है, रिटार्डेशन। समझ में आ गई बात, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, आयतन जानते ही हैं क्या होता है, ठीक है, और वेग हमारा क्या होता है कि कितने समय में कोई वस्तु जो है वो कितनी अपनी स्पीड को बदल रही है। और वेग और स्पीड में अंतर होता है, वैसे स्पीड ना कहें चाल बोल लें, ठीक है, चाल भी ना बोले, स्पीड चाल तो एक ही बात हुई है, गति बोले, क्या बोले, गति, कि वो जो है कितने समय में अपना जो है कितनी गति को बदल रही है। आप गति की जगह पर यार हम बोलें कि जो वेग हमारा है वो विस्थापन कितना कर रहा है समय के साथ, तो ज़्यादा अच्छा है, यानी कि विस्थापन पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है वही हमारा वेग बोला जाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है और वेग भी एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है, दो बची हैं वो अदिश राशि हो गए, ठीक है, अदिश मतलब स्केलर, अदिश मतलब स्केलर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ऑप्शन सही क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं क्या सही ऑप्शन होने वाला है इसका, जल्दी से बताइए आप। क्वेश्चन है कि ये गोली 0.2 सेकेंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसका सही आंसर ज़रूर करेंगे। जल्दी से बताओ क्या इसका सही आंसर होगा, चलिए हम लोग सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको क्या सही आंसर होगा। देखो हमें चाल पूछी गई किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल क्या होती है, चाल को हम लोग स्पीड भी बोलते हैं, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 90 और टाइम है आपका 0.2। लेकिन यार ये मीटर ऊपर मीटर लिखा है ना, तो ये मीटर आ जाएगा, ये सेकेंड लिखा, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, लेकिन हमको करना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा करना है। जब भी स्पीड आपकी मीटर प्रति सेकंड हो, किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो, तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर 5/18 क्या कर देते हैं, 18 कर देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं कि जब मीटर था, ठीक है, और मीटर को हम लोग क्या बनाएंगे, किलोमीटर, जब किलोमीटर बनाओगे तो नीचे क्या डालोगे, 1000 डालोगे, ठीक, 1000 डालोगे, नीचे डालोगे 1000, है ना, क्योंकि ये मीटर में है, तो नीचे 1000 डालोगे, नीचे आप 1000 डाल लोगे, और ऊपर ये है सेकंड, क्या है सेकंड, इसे घंटा बनाना है, इसे जब घंटा बनाना है तो इसके नीचे डालोगे आप 3600, कितना डालोगे, सेकंड है, सेकंड से मिनट में लाओगे, मिनट से फिर घंटा में 3600 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3600 ऊपर जाएगा, 1000 नीचे जाएगा, तो जब हम काटेंगे पीटेंगे तो वो आएगा आपका 18/5, क्या आएगा, एक मिनट, हाँ आएगा 18/5 आएगा यार, कितना आएगा 18/5, ठीक, तो वो गलत बात थी, ठीक है, अब सही है। अब क्या करो, आप समझ में आ गई होगी बात आपको, इसे काट दो इसको,
कितनी बार गया, 5 बन जा 5, बचा 4, 5 8 जा खत्म, 5 की कहानी खत्म। पॉइंट हटा दो, नीचे से पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, इससे इसको काट दो तो हो गया 9, कितना, अरे यार इससे इसको काटोगे, 2 से काटोगे किसको, इसको काटोगे 18 को, तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 18 नेमा कितना होता है, 89 जा कितना होता है जल्दी से बताओ, 89 जा 162 कितना होता है, 162 होता है, 162 और एक 0 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है यार, आपके बहुत ही कमेंट आ रहे थे कि सर न्यूमेरिकल करा दीजिए, न्यूमेरिकल करा दीजिए। तो हम चाहे हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हमारे पिछले सालों में आए हैं हम लोग सबको करते चल रहे हैं बड़ी आसानी से। कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 4 सेकंड के बाद विस्थापन का परिणाम क्या होगा, कि 4 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब यही डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसमें, ठीक है भाई, विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगी। भाई कोई चीज़ ऊपर जाती है नीचे जाती है तो गति के समीकरण कौन से वाले काम करते हैं, जो गुरुत्वीय गति बोली जाती है, ये गुरुत्वीय गति है तो इसमें गुरुत्वीय गति के लिए जो समीकरण है वो काम करते हैं। जब भी कोई चीज़ ऊपर जा फेंकी जाती है तो जी का मान कम होता है, तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर पहले देखो दिया क्या कह रहे हैं, जी आपका इनिशियल वेग है, इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी कहोगे तो यू से लिखोगे, आपकी यू की वैल्यू है, वैल्यू है 30, कितना वैल्यू है 30, ठीक है 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया, सही बात। 4 सेकंड के बाद आपको टाइम दिया है, आप क्या दिया, टाइम दिया है आपको कितना, 4 सेकंड, आपको इस्माल जी की वैल्यू दे रखी है, तो कह रहे हैं 4 सेकंड के बाद विस्थापन क्या, विस्थापन मतलब यहाँ पर ऊपर कोई चीज़ जा रही है नीचे आ जा रही है तो हम एच से उस विस्थापन को लिखेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा आप गति का समीकरण बताओ जिसमें यू आता हो, टी आता हो और एच आता हो, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू जो होता है वो, अब यहाँ पर गुरुत्वीय गति के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो एच इक्वल टू लिखेंगे यू टी, और ऊपर को जा रही तो माइनस लगाएंगे, नीचे को आएगी तो प्लस लगाएंगे, ध्यान देना, हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर गुरुत्वीय गति हो रही तो एक ही जगह जी लेंगे तो जी और टी स्क्वायर, ठीक। इसमें सारी वैल्यू डालेंगे और हम लोग सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से, जल्दी से करते हैं हम लोग सॉल्व। 30 हो गया यहाँ पर, 30 और टाइम कितना है 4 सेकेंड प्लस 1/2 गुणा में जी 10 और टी 4 का स्क्वायर कर दो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, और 2 से जी 16 को काट दोगे तो आ जाएगा 8, और 8 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 जी हो गया, और 3 × 12 120 जी हो गया, 120 और 80 200 आ गया, कितना आ गया 200 क्या आया जी मीटर आ गया, बहुत ज़्यादा आ रहा, ऑप्शन तो कोई नहीं जा रहा है ऐसा, क्या दिक्कत है, माइनस है सॉरी, प्लस क्यों करोगे, माइनस करोगे भाई, माइनस लगा है ना, तो 120 में से 80 माइनस कर दें हम लोग, 120 में से 80 तो 40 आ गया, कितना आ गया 40, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, बिल्कुल समझ में आ गई बात। हमें करना क्या था कि भाई क्या क्या दिया है, पहले हमने वो नोट किया, यू दिया था आपके लिए, टी दिया था आपके लिए, जी दिया था, हमें एच निकालना था, तो हमने सारा डाटा देखा क्या दिया और क्या निकालना है, उसी हिसाब से हमने सोचा कि यार कौन सा जो है आपका गति का समीकरण लग सकता है, और हमने गुरुत्वीय गति के अधीन अपनी एक क्लास ली है, उसमें हमने सारे समीकरण की बात की है। तो अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो रेलवे एग्जाम करके प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी है, उस पर आप जो है सर्च करेंगे या देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कहीं पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहीं पे सर्च कर लेना आप गुरुत्वीय गति के अधीन गति, या आप सर्च करना कि मोशन ड्यू टू ग्रेव
ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है, या ग्रेविटी करके करोगे तो आ जाएगा, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पर। अगला क्वेश्चन है कि कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को कहा जाता है, ठीक है, आप सुना आपके सामने इंग्लिश में पढ़ लें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। द फोर्स अप्लाइड टू ओवरकम अ लोड, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, ओवरकम करने के लिए, ठीक है, ओवरकम मतलब जानते हैं ना, द फोर्स अप्लाइड टू ओवरकम अ लोड, किसी लोड को ओवरकम करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, ऑप्शन आपके सामने है, किसी लोड को हमें उठाना है उसको ओवरकम करना है, ठीक है, तो हमने जो बल लगाया उसे क्या कहेंगे, जल्दी से आप बताइए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। देखिए किसी जब हम भार को उठाते हैं, लोड को उठाते हैं, तो हम फोर्स लगाते हैं, उत्तोलक की बात आ रही है, देखो आप ऑप्शन देखो, प्रयत्न है, वजन, यांत्रिक लाभ है, तो ये सब उत्तोलक से जुड़ी बातें हैं। तो जब हम किसी लोड को उठाते हैं और अपनी तरफ से जो फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको प्रयत्न कहते हैं, आयास कहते हैं, इंग्लिश में इफोर्ट कहते हैं, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक, प्रयत्न कहेंगे। वेगानुपात यांत्रिक लाभ क्या होता है, ठीक है, यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज, हम लोग ये सब बात की है अपनी लीवर वाली क्लास में, तो अगर आपने वो लीवर वाली क्लास नहीं देखी तो वो भी रेलवे एग्जाम करके प्ले लिस्ट है, वहाँ पे उत्तोलक आप डालोगे तो समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है आपका कि कितना आप जो है भार को उठा पा रहे हो और कितना इफोर्ट लगा करके, आयास लगा के, ठीक है, आयास, और इसी का फार्मूला एक हो जाता है, आयास भुजा अगर ऊपर कर दें तो आयास भुजा अगर जोड़ दें तो आयास ऊपर पहुंच जाएगा, तो आयास भुजा अपान में भार भुजा, ये भी एक इसका फार्मूला होता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 66, जिसमें लिखा है कि समय T1 और T2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल समय अंतराल के दौरान वस्तु के डैश के बराबर होता है। T1 T2 हमारे क्या हैं, समय हैं, और हमारा ग्राफ कौन सा है, वेग समय ग्राफ है, यानी कि वेलोसिटी टाइम आपका क्या है, ग्राफ है। तो T1 T2 जो हमारे टाइम हैं इनके बीच हमारा एक क्षेत्रफल घिरेगा, तो वो क्षेत्रफल किस चीज़ को बताएगा, तो वो क्षेत्रफल बता देगा यहाँ पर आपके विस्थापन को बताएगा, किसको बताएगा, एक मिनट पहले आप लोग बताइए क्या होगा। हाँ देखो, वेग है और टाइम है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, विस्थापन निकाल सकते हैं, ठीक है। वेग जो होता है वो क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल, फार्मूला यही होता है कि विस्थापन अपान में टाइम पीरियड समय अंतराल, समय अंतराल, ठीक है, हम ऐसे लिखे दे रहे हैं समझने के लिए। वेग आपको वेग वहाँ ग्राफ में दिया होगा, आपको टाइम T1 T2 दिए हैं, तो आप विस्थापन निकाल सकते हैं, ठीक, समझ में आ गई बात, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लें इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन आपका है कि डैश किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा, इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो ये
रास्ते की या मार्ग की टोटल लंबाई को आपने कुल समय अंतराल जो है उसे डिवाइड कर दिया, तो कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल, यही हमारा क्या होता है, औसत गति बोली जाती है। क्या बोली जाती है? औसत गति क्या होती है कि कितनी दूरी, टोटल दूरियां, बहुत सारी मान लो दूरी कवर की हैं, बहुत सारे समय में अलग अलग की, तो टोटल दूरी और पान में कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल, इसी को हम लोग औसत गति कहते हैं। और गति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्पीड, औसत औसत गति या फिर औसत स्पीड भी कह सकते हैं, औसत चाल भी कह सकते हैं, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक। त्वरण आप जानते हो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक। गति जो होती है वो हमारी हमेशा कैसी, स्केलर होती है, अदिश राशि होती है। त्वरण कोई सा भी हो आपका सदिश राशि होता है, मात्रक आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा त्वरण का कोई सा भी हो। वेग और चाल का मात्रक या गति का मात्रक एक जैसा होता है, दोनों के मात्रक मीटर प्रति सेकंड होंगे। और वेग हमारा सदिश राशि है, वेग कैसा है, इस वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, जबकि चाल कैसी है आपकी, अदिश राशि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, आपके सामने पर आधा घंटे का वीडियो हो चुका है आपका, तो हम चाहेंगे कि अभी आधा घंटा का ही रखें, हम अभी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी हमारे 10 क्वेश्चन हुए होंगे, तो हम लोग 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, थोड़ा सा स्पीड जब बढ़ाएंगे, जब जो है हम थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से करने लगें, ठीक है। अच्छा, लाइव क्लास लेंगे, तो लाइव क्लास में आप जितनी जल्दी से आंसर करेंगे उतनी जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए से हम लोग लाइव क्लास भी जल्दी लाने वाले हैं, थोड़ा सा और हमारा हेल्थ है ठीक हो जाए, इसलिए जो है अभी हम ये इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो हम लोग अभी यहीं पर रखेंगे, इतने ही रखेंगे, बाकी जो क्वेश्चन आपके सामने अगर आप सॉल्व कर पाएँ तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर भेज दें हमको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया भी था, ठीक है। तो ये होमवर्क आपका हो जाएगा, और वीडियो लाइक करना ज़रूर, क्योंकि अगर वो आपकी मर्ज़ी है, लाइक करो या ना करो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर किया करो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करें और अपना ख्याल रखें, बाय।